नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं फोर पिलर लाइव। मैं आपको बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सुप्रीमो चिराग पासवान आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी दिल्ली स्थित सरकारी आवास को छीन लिया गया, उन्होंने साफ तौर पर किया कि हमें उस आवास की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो चिंता उन लोगों के लिए है जो दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं किरायों के घर में। आइए सुनते हैं। देखिए भाई, मैं चिराग हूँ और चिराग का अपना कोई ठिकाना नहीं होता, पर वो जहाँ जाता है रोशनी फैलाता है। मेरी लड़ाई भाई, जब मैंने ये संकल्प लिया था जिस दिन मेरे पिताजी अस्पताल में थे और उनका निधन हुआ, मेरे लिए सबसे आसान परिस्थिति थी उस वक्त कि मैं मौजूदा शक्तियों के सामने नतमस्तक होता, अपने सिद्धांतों से समझौता करता, मेरे पिताजी के विचारों को मिट्टी में रौंद देता और उसके बाद दुनिया भर की ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, सहूलियतें मुझे परोस कर दी जाती। भाई आज मैं कुछ जगह पढ़ रहा था कि चिराग पासवान को निपटा दिया गया। भाई चिराग पासवान ने खुद संघर्ष का रास्ता चुना है। अगर मुझे बंगले का लालच होता या बंगला मंत्रालय यही मेरे लिए अगर लक्ष्य होता तो ईमानदारी की बात है भैया, जो रास्ता मैंने चुना उस रास्ते को मैं नहीं चुनता। मैं नतमस्तक होकर रहता इन तमाम शक्तियों के सामने और हर उस सुख सुविधाओं का, ऐशो आराम का मैं लाभ उठाता जो बदले में मुझे दी जानी थी। खैर, अभी बातें खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी, बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर क्या क्या लालच तमाम बड़ी शक्तियों के द्वारा नहीं दिए गए। अगर मुझे अपना लालच होता, मुझे बताइए ना, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को मानेगा? और चिराग पासवान तो भैया 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का है भैया। मुझे नहीं पता था कि जब मैंने 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तो मैं इस बात को जानता था कि आने वाले दिनों में मेरे सामने क्या क्या कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। और ये बंगला तो भाई बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे अपने बंगले की चिंता नहीं है, मुझे उन लोगों के घर की चिंता है जिनके सर पर आज छत तक नहीं है। अपने ही बिहार के लोग जो बिहार में प्रवते हैं, मुझे उनकी चिंता है भैया, जो दूसरे प्रदेशों में किराए के घर, किराए के मकान, संभवतः सड़क पर, चौल में, बस्तियों में अपना घर बसर कर रहे हैं। मुझे अपने बंगले की चिंता नहीं है, मुझे उनकी चिंता है कि उनको कैसे सह सम्मान हम लोग वापस बिहार लेकर आए, उनको यहाँ पर घर दिया जाए। मेरी लड़ाई उनके लिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि बिहार पर राज करने की मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई बिहार पर नाश करने की है। अपनी सुख सुविधाओं की मेरी लड़ाई नहीं है भैया, संघर्ष मुझे विरासत में मिला है और यही संघर्ष मुझे विरासत में मिला है। जो लोग बोलते हैं ना नेपोटिज्म, नेपोकेट, नेपोटिज्म के नाम पर, लेगेसी के नाम पर मुझे ये संघर्ष दिया गया है जो मैंने अपने पिता से सीखा। मेरे पिता भैया 89 के बाद से, आप सब लोग कहते हैं कि भैया मंत्री कोई भी, प्रधानमंत्री कोई भी वो मंत्री रहे, पर 89 से पहले का संघर्ष किसने देखा उनका? 69 में पहली बार वो विधायक बने थे, 20 साल तक संघर्ष किया तब वो उस लक्ष्य पे पहुंचे। संघर्ष करने से मैं डरता नहीं हूँ, डरता तो ये कदम मैं नहीं उठाता, डरता तो मैं नतमस्तक होता तमाम उन शक्तियों के सामने। पर हाँ, दुख है मुझे, तकलीफ है मुझे कि जिस तरीके से इस घर को खाली कराया गया। भाई ये घर आजीवन मुझे नहीं चाहिए, मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि आजीवन आप मुझे दें। और मैं, मेरा परिवार कानून का पूरा सम्मान करता है भैया, मैंने कभी नहीं कहा कि 12 जनपद मुझे आजीवन के लिए दिया जाए, ना मैं उस लायक हूँ ना मुझे उसकी ज़रूरत है। भाई वैसे भी मुझे बिहार की राजनीति करनी है, अगर मैं ब्लैक एंड वाइट शब्दों की बात करूँ, बिहार मेरा प्रदेश है, बिहार मेरी कर्म भूमि है, मुझे बिहार के लिए संघर्ष का रास्ता मैंने चुना है, बिहारियों के लिए संघर्ष का रास्ता चुना है। दिल्ली में घर बंगले की मुझे अगर होती तो 50 साल तक मेरे पिताजी दिल्ली में रहे, उन्होंने वहाँ की राजनीति की, अभी तक हम लोगों ने दिल्ली में अपना कोई ना कोई घर तो बना ही लिया होता। कम से कम खुशी है मुझे इस बात की कि लोगों को इस बात का तो पता चला जो भ्रम फैलाते हैं कि भैया 50 साल आपके पिता मंत्री रहे। मुझे गर्व है कि वो एक ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने अपने लिए कभी काम नहीं किया, किया होता तो कम से कम आज अपने लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था दिल्ली में करके रखी होती। अपने नाना नानी के घर पे मैं रह रहा हूँ
और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, पर मुझे दिक्कत इस बात की है कि 12 जनपद जो आश्रय था, 12 जनपद जो छत थी उन तमाम गरीब मजदूर किसान दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक ठिकाना था 12 जनपद। 12 जनपद में लोग जाते थे बेझिझक होकर वहाँ पर अपने काम, अपनी रहने, अपने खाने पीने की व्यवस्था वो मान कर चलते थे कि भैया एक घर है हम लोग का 12 जनपद में। और ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फोर पिलर लाइव से। मैं अनुज कुमार।